टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर विवादों में है। इस बार उनके विवाद में रहने की वजह उनका संसद में दिया हालिया बयान है। लेकिन महुआ मोइत्रा की माने तो उन्होंने ऐसा कोई भी बयान या टिप्पणी नहीं की है जिस पर विवाद होना चाहिए। महुआ का कहना है कि उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसका ताल्लुक अरबी से है, जिसका अर्थ पापी होता है। गौरतलब है कि मोइत्रा पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद लोकसभा में अपशब्द इस्तेमाल करने का आरोप है, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से लगातार माफी मांगने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी रमेश भिदुड़ी के लिए सदन के पटल पर इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्द के लिए महुआ से माफी की मांग की है, जिसके जवाब में मोइत्रा की ओर से कहा गया है कि मैं एक हिंदी भाषी नहीं हूं, अगर उन्हें अपनी हिंदी में कुछ और अर्थ लगता है तो इसमें मेरी समस्या नहीं है। बता दें, प्रहलाद जोशी से पहले मोइत्रा के इस विवादित बयान पर हेमा मालिनी का भी बयान सामने आया, जिसमें हेमा मालिनी ने विपक्षी दलों को अपनी भाषा में नियंत्रण रखने की बात कही थी, जिसके जवाब में महुआ मोइत्रा ने बिना नाम लिए पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को उनके माफी मांगने से पहले अपने सांसद से माफी मांगने और अपनी हरकतें ठीक करने के लिए कहना चाहिए। मैं सेब को सेब कहती हूँ, संतरा नहीं। 16 मिनट वो आदमी बेशरम के जैसा कंटिन्यूअसली हैकल। हम जो बोला एप्पल को एप्पल ही बोलेंगे, एप्पल को हम संतरा नहीं। बताते चले कि 7 फरवरी को महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में भाषण दिया था। इस दौरान उन्होंने तीखे अंदाज में केंद्र सरकार को अडानी के मुद्दों पर घेरा और कई सवाल किए। महुआ का भाषण खत्म होते ही तेलुगु देशम पार्टी के सांसद राम मोहन नायडू अपनी बात रखने लगे। इतने में महुआ अपनी सीट से उठी और सत्ता पक्ष के किसी सदस्य के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए, जिसके बाद से ही बीजेपी की ओर से टीएमसी सांसद की ओर से माफी की मांग की जा रही है। लेकिन इस बढ़ते विवाद के बाद टीएमसी सांसद माफी नहीं मांगने की बात पर अड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।